नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी डिश है राजमा चावल। तो मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट और टेम्पटिंग राजमा कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए राजमा। तो ये राजमा को मैंने ओवरनाइट पानी में सोख करके रखा था। अब हम उसको उबाल लेंगे। तो उसको हम कुकर में डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में हमें चाहिए तेज़पत्ता और दालचीनी। और हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना हमने राजमा लिया है उसे डबल पानी हम डाल देंगे। और डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको 5 से 7 सीटी लगा के अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए टोमेटो की प्यूरी। अगर आपको टोमेटो प्यूरी नहीं डालना है तो आप इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड कर सकते हो। लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज चाहिए, हरा धनिया और हरी मिर्च। देखो 5 से 7 सीटी के बाद राजमा अच्छे से पक के तैयार है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। उसमें डाल देंगे मस्टर्ड सीड और जीरा। फिर उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भूनना है सुनहरा कलर आने तक। फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर की प्यूरी यहाँ पे ली है। टोमेटो प्यूरी पकने के लिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो 4 से 5 मिनट के बाद ये प्यूरी पक के तैयार हो गई है। ऑयल सेपरेट हो गया अच्छे से। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर बढ़ा सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बॉयल्ड राजमा। मैंने जो पानी है उसको निकाल लिया है, इसमें सिर्फ मैंने राजमा डाला है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसालों में अच्छे से पका लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे राजमा का पानी, जिसमें हमने राजमा पकाया था वही पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। देखो इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो थोड़ा कम ही नमक ऐड करना है। फिर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। लास्ट में हम डाल देंगे हरी मिर्च और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा राजमा पक के एकदम रेडी है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ये देखो यहाँ पे राजमा पक के एकदम रेडी है, खाने के लिए एकदम तैयार है। तो आप इसको चावल के साथ खा सकते हो या रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।